पहाड़ी गांधी, बाबा कांसीराम समेत हिमाचल के अनेक सेनानियों ने आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजादी के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पर हुए हमले से लेकर करगिल युद्ध तक हिमाचल के जांबाजों ने सर्वोच्च बलिदान देकर मां भारती का सिर ऊंचा रखा है। देश की रक्षा के साथ साथ देश को सम्मान दिलाने वाले में भी हिमाचल के युवा कमाल करते रहे हैं। हाल ही में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेमों में, उन खेलों में हिमाचल की बेटी प्रियंका ने क्रिकेट में, भाई वरुण ने हॉकी में और भाई विकास ने वेटलिफ्टिंग में शानदार प्रदर्शन किया। खेल का मैदान हो या कला जगत, पार्टी हो या सरकार, हिमाचल के युवाओं की ऊर्जा, उनका जोश, उनका नेतृत्व कौशल निरंतर देश के काम आ रहा है। साथियों, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर देना हमेशा से भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, मंत्री हो, भाजपा देश का वो राजनीतिक दल है जिसमें हर जगह युवाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाजपा देश के युवाओं पर, हिमाचल के युवाओं पर सबसे अधिक भरोसा करती है। अब देश की युवा शक्ति मिलकर आजादी के अमृतकाल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प पूरा करेगी। मंडी में हो रहा यह आयोजन इसी युवा शक्ति का, युवाओं पर देश के इसी विश्वास का प्रतीक है। मेरे नौजवान साथियों, आज दुनिया में भारत की साख जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे भारत को जानने समझने के लिए, भारत से जुड़ने के लिए पूरी दुनिया लालायित हो रही है। इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है और हिंदुस्तान के नागरिक, जागरूक नागरिक, हिंदुस्तान के मतदाता, इसका पूरा श्रेय उनको जाता है। कारण क्या है मैं बताऊं आपको। बहुत दशकों तक हमारे देश में सरकारें अस्थिर रही, किसी को बहुमत नहीं था, मिलीजुली सरकारें थी। कितना दिन चलेगी